ग्रीन हाउस इफेक्ट सबको पता है क्या होता है, अर्थ वार्म रहती है, कुछ नहीं करना इसमें। एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर सबको पता है। अगर कोई स्टूडेंट ये टेबल छोड़ के जा रहा है तो वो एक या दो नंबर का पेपर घर से ही छोड़ के जा रहा है सीबीएसई का पक्का, तो इंपॉर्टेंट मार्क करो। एनसीईआरटी का टेबल है, इसमें से क्वेश्चन आना है। देखो क्वेश्चन आएगा रेडियो माइक्रो इंफ्रा लाइट अल्ट्रा एक्स और गामा में से कुछ सेट ऑफ आपको वेव देगा और कहेगा अरेंज द फॉलोइंग वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, उसकी मर्जी है। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कैसे वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है या ज़्यादा होती जा रही है। रादर आपको ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए किसकी क्या क्या वेवलेंथ है आपको, वो क्यों, क्योंकि अगर तो आ गया अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर तो कोई चक्कर नहीं, फिर तो आप सीक्वेंस याद कर लोगे। पर अगर उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि नाम बताओ एक ऐसी वेव का जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है, फिर आप क्या कर लोगे, फिर याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। समझ में आया? तो आप प्लीज़ इसे लर्न करेंगे। फिर वो कहेगा प्रोडक्शन कैसे पैदा की जाती हैं, हमने वैसे कर लिया, मैंने बताया था रेडियो वेव ऑसिलेशंस एलसी ऑसिलेटर जनरेट करता है। ये कहता है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल, एरियल का मतलब होता है एंटीना, एंटीना बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट और एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करवाता है, जिससे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिससे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ईएम वेव जनरेट होती है। तो अगर आपके पेपर में आए तो आप ये लिखना, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। फिर वो कहते हैं रेडियो वेव डिटेक्ट कैसे हो सकती हैं, डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर सिग्नल या रिसीवर एरियल, भाई आप रिसीवर पे एंटीना लगा लो, वो एंटीना उसे रिसीव कर गया और आपके टीवी में सिग्नल या रेडियो में सिग्नल आ गया तो पता लग जाएगा रेडियो वेव आ गई। नेक्स्ट है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का इसने जो लिखा हुआ है मैग्नेट्रॉन वेल्व या फिर क्लिस्ट्रॉन वेल्व, ये मुझे पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट है वैसे तो, पर मैंने माइक्रोवेव को एलसी ऑसिलेशन से जनरेट करवाया जो कि हो सकती है। आप चाहें तो एलसी ऑसिलेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका सोर्स है, या मैग्नेट्रॉन वेव लिखना है आप चेक कर लेना क्या होता है, पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा। और डिटेक्शन कैसे डिटेक्ट हुई, तो ये कहते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, मतलब कोई डायोड से डिटेक्ट की जा सकती है, मुझे नहीं पता ये कैसे डिटेक्ट करते हैं, होता है एक्सपेरिमेंट होता है। इंफ्रारेड रेस, इसमें वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, तो इंफ्रारेड कैसे जनरेट होती हैं, गर्मी, तो एटम या मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। और कैसे डिटेक्ट की जाती हैं, ये डिटेक्ट की जाएंगी फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करेंगी। और थर्मोपाइल्स, थर्मोपाइल्स होती हैं दो डिफरेंट किस्म की मटेरियल दिए जाते हैं, जोड़ दिया जाता है, जब इनके ऊपर ये हीट गिरती है तो करंट पैदा होता है, उस हीट से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जनरेट होती है, तो थर्मोपाइल्स होती हैं वो। और बोलोमीटर मुझे पता नहीं क्या है, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट हो सकती हैं, अच्छी बात है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू दी लोअर एनर्जी लेवल, हमें पता है एक्साइटेशन जिसे बोलते हैं। और कैसे डिटेक्ट होती हैं, कहते आँखों से, आई आँखों देख लो लाइट, तो मशीन क्या चाहिए, या फिर फोटो सेल ले लो, फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर, तो अल्ट्रा वायलेट भी इनर्शियल की एक्साइटेशन से होती है, आउटर से लाइट होती है, इनर से अल्ट्रा वायलेट होती है, फोटो सेल या फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट हो सकती है। एक्सरे, एक्सरे के लिए ट्यूब्स आती हैं, एक्सरे ट्यूब्स, या इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, मैंने बताया। और ये कैसे डिटेक्ट होती हैं, गीगर ट्यूब्स आती हैं, हम पढ़ेंगे, गीगर ट्यूब्स में डिटेक्ट होती हैं या फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करती हैं। ऐसी गामा रेज भी कहें, रेडियो एक्टिव फिनोमेना से ये जनरेट होती हैं, न्यूक्लियर जब ब्रेक होता है, और सेम फोटोग्राफिक फिल्म से ये डिटेक्ट होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से आएगा क्वेश्चन। फिर ये भी याद करना है कि गामा एक्स अल्ट्रा विजिबल इंफ्रा माइक्रो, माइक्रो के भी आगे माइक्रो, कैसे, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टीवी एंड एफएम रेडियो, एएम रेडियो और लॉन्ग रेडियो वेव्स का भी फ्रीक्वेंसी याद करनी है, 10^23, 22, 11, 20, 13 जो भी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आ सकता है। और ऐसी ये भी करना विबग्योर के अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ है, ये भी एक बार नज़र मारना, ये भी कभी आ सकता है। ठीक,